दोस्तों, अच्छा दिखना आजकल इतना जरूरी हो गया है क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना इतनी पहचान बनाते हैं, तो उनको क्या डर रहता है कि देखो फोटो के शौकीन तो सभी होते हैं, सब अलग अलग स्टाइल में फोटो खिंचाते हैं, लेकिन उसके बाद आती है बात एडिटिंग की, यार उसने इतनी अच्छी एडिटिंग करी तो मैं भी करूं। क्योंकि एडिटिंग से ये होता है, अगर आप अच्छे दिखेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और लोग आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो अच्छा दिखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में एडिटिंग में लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो एडिटिंग की ऐप लेके आया हूँ मैं आज आप लोगों के लिए, जो बहुत ही आसान है और वो इतनी अच्छी एडिटिंग आपको करके दिखाएगा, मतलब सारे फीचर्स उसके अंदर हैं। तो ये कौन सी ऐप है, चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो वीडियो को आराम से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं नई ऐप जो लेके आया हूँ उसका नाम है लाइट एक्स। तो इसकी एडिटिंग बहुत ही क्लियर है, तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे आपको एडिटिंग वाले टूल पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे इफेक्ट, तो ये इफेक्ट बहुत ही प्यारी कर देते हैं, आपकी फोटो को बहुत ही क्यूट लुक देते हैं। दूसरा फीचर है यहाँ पे आपको स्मूथ का मिल जाता है। स्मूथ से क्या होता है, आपका फेस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट दिखने लगता है, जिससे आपकी फोटो जो है क्यूट बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अपने अमाउंट अपने हिसाब से जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं कुछ ही कुछ बता पाऊंगा। दूसरा हेयर का, तो यहाँ पे आप जैसे ये लाइन बनाते हैं हेयर वाला यूज़ करने के लिए, तो ये देख सकते हैं आप कि आपके बालों का जो कलर है वो बहुत डिफरेंट बदल जाता है और वो लिमिटेड बदलता है। जैसे कि कुछ लोग की फोटो में अति कर देते हैं, तो वो पता चल जाता है कि हाँ यार ये ज़्यादा हो गया है, ये एडिटिंग है। तो इसमें देखिए पता नहीं चल रहा है, ऐसा लगेगा कि हाँ यार इसके बालों में जो है वो एक्चुअल में कलर हुआ है। तो यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं उसको, जितना अमाउंट आपको रखना है बालों का। उसके बैक रेड है तो इसलिए रेड कर देते हैं, तो यहाँ पे रेड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये सेल्फी मोड है, ये सेल्फी के लिए यूज़ होता है। ये जितनी भी सेल्फी हैं, अगर बैकग्राउंड के लिए मतलब बैक कैमरे से ली गई है तो भी कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ये सेल्फी के लिए मेनली यूज़ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, आपको बताएं वहाँ पे हेल्प के लिए आपको एक वीडियो पहले छोटा छोटा क्लिप में दिखती भी रहेगी, जिससे कि आपको इजी पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए इरेजर PNG फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं आया, तो इतना बैकग्राउंड काट के आप कहीं और लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए पूरा नहीं किया, आधा किया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो मैंने पास्ट में बनाई है। तो यहाँ से आप PNG फाइल भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपनी फ़ोटो को थोड़ा अलग साइज़ में दिखाना, स्टार में दिखाना या फिर अलग अलग शेप्स में दिखाना, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे बैकड्रॉप, बहुत ही कमाल का इफेक्ट है। यहाँ पे आपको बैकड्रॉप में से कोई भी बैकग्राउंड जो है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपको आपकी फ़ोटो अच्छी आई है लेकिन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो बैकग्राउंड में आपको बस अपनी उंगलियाँ फेरनी हैं। और ये देखिए कमाल देख लीजिए, मतलब इतना बेहतरीन इफेक्ट लगा मुझे ये वाला, तो बहुत ज़्यादा गजब लगा। मतलब सारे ही इफेक्ट अच्छे हैं लेकिन ये वाला तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो यहाँ पे आप अच्छे से आराम से एडजस्ट करिएगा, मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ऐसे बदल जाता है। तो ये होता है बैकड्रॉप, आप बैकड्रॉप कोई भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट, तो नॉर्मल है, यहाँ पे टेक्स्ट बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, हर किसी का ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाता है वो आई बटन पे क्लिक करने पे, तो वहाँ पे भी आप इन सबको देख सकते हैं। मैंने सोचा कि मेन फीचर जो मैं बता दूँ ताकि ये ऐप आप तक पहुँच पाए। जैसे कुछ लोग मोटे होते हैं तो वो लोग अपना पेट जो है वो पतला करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ अपना बॉडी का पार्ट जो पतला करना चाहते हैं, या फिर पतले लोग मोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिसाइज वाला एक बटन मिलता है जिससे आप अपने रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग फीचर जो यहाँ पे मिलते हैं, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, तो आप देख सकते हैं फोटो कितनी अच्छी बन गई है। और सेटिंग इसकी बहुत ही नॉर्मल है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको अगर मान लीजिए बालों का कलर अच्छा करना है, या फिर जितना भी मतलब जितने भी टूल्स आपको एक फ़ोटो एडिटिंग में आप चाहते हैं कि मुझे ये ऐसी फ़ोटो बने, वो फ़ोटो इससे बन जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर से लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।